पिशाद रहे तो कुर्बान मेरी जान तुझ पिशाद रहे तो वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। सो गाइस, आज का वीडियो काफी यूनिक होने वाला है। आज हम करेंगे ट्राइड फूड कलर चैलेंज फॉर 24 आवर्स। मतलब हमारे जो तिरंगे के तीन कलर होते हैं ना, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन, ये कलर हम 24 आवर्स खाएंगे। एंड गाइस, चार कलर होते हैं, लेकिन ना ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। सो हम ये खाएंगे 24 आवर्स। एंड गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को नेगेटिव वे में मत लेना, बिल्कुल भी इस वीडियो को नेगेटिव वे में मत लेना। ये सिर्फ इंस्पायर्ड वीडियो होगा, सिर्फ इंस्पायर्ड है ये। मैं अपने इंडियन फ्लैग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। सो गाइज, इसे प्लीज़ आप नेगेटिव वे में मत लेना, ये सिर्फ एक इंस्पायर्ड वीडियो होगा। तो या वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो या वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, नाश्ते में मैं खाऊंगी ये सूजी के पापड़। ये पापड़ हम लोगों ने घर पे बनाए थे, सो इन्हें फ्राई करते हैं। लेट्स गो। नाश्ते में मैं खा रही हूँ सूजी के पापड़। एंड गाइज, आप देख सकते हो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब इतना क्यूट, प्यारा सा कलर आया है, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड मुझे ना सूजी के पापड़ बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, मुझे सूजी के पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद। इसलिए ना ये हमेशा ना हम लोग सूजी के पापड़ घर में ही बनाते हैं। ये ना वो फिंगर नहीं आते हैं, क्या कहते हैं, जो बचपन में फिंगर खाते थे रिंग में डाल के, ये ना उनके जैसा टेस्ट रहता है इनका, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। या मैं इतना तो शायद ही खा पाऊंगी, बट या मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, देन लंच में मिलता है। लंच में हम क्या करेंगे क्या खाते हैं। सो गाइस, मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, पूरा तो नहीं खा पाऊंगी, बट हाँ जितना खा पाऊंगी उतना खाती हूँ। एंड फिर लंच में मिलता है, देखते हैं हम लंच में क्या खाते हैं।
मेरा मेरा लंच पास्ता, ऑरेंज पास्ता, व्हाइट पास्ता एंड ग्रीन पास्ता। ये भी कितना प्यारा दिख रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं इतना अच्छा और इतना परफेक्टली बना सकती हूँ। सो गाइस ये रहा मेरा लंच, टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बनाया। एंड गाइस सीरियसली मुझे इन्हें बनाने में इतनी मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा थकी। सो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड आपको ये आई मेकअप कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने स्पेशली चैलेंज के लिए किया। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। थोड़ा नमक ज़्यादा है, ठीक है इसमें भी नमक ज़्यादा है। ग्रीन वो देने का टेस्ट ज़्यादा है, मैंने खुद नहीं बनाया और खुद के खाने की बुराई कर रही हूँ, बुराई नहीं कर रही हूँ, अच्छा बनाया। बट मैं फिनिश करके देन फिर डिनर में मिलते हैं, देखते हैं हम डिनर में क्या बनाते हैं। बस अब इससे ज़्यादा और मैं नहीं खा सकती। एंड ऑरेंज वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, इसलिए ये मैंने पूरा खा लिया, ये नहीं हो पाएगा। तो अभी शाम की 6 बज रही है एंड मुझे जो मिनी वाली भूख लगती है ना वो लग रही थी, एंटी टाइम भी हुआ था। सो मैंने कहा मुझे कुछ स्नैक्स वगैरह खाने हैं, तो मैंने पापा से बोला कि आप मेरे लिए ऐसा कुछ ले आओ जो ऑरेंज एंड ग्रीन एंड वाइट कलर का हो। सो पापा ये लेके आए ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन। सो आई नो ये ग्रीन तो नहीं निकलेगा, बट हाँ मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। एंड ये वाइट, आई होप ये वाइट ही निकले। एंड ये ऑरेंज, सो ये भी शायद ऑरेंज ही निकलेगा। सो हम ये खाते हैं एंड देखते ही ऑरेंज निकलता है कि नहीं निकलता। ओह ये ऑरेंज निकला है, टेस्ट अच्छा नहीं है पर दे ऑरेंज है, मेरे को लगता है ये भी ऑरेंज ही निकलेगा एंड इसका टेस्ट अच्छा होगा क्योंकि ये कुरकुरे हैं। मुझे पता था ये भी ऑरेंज ही निकलेगा। वाइट के लिए क्रंची पापड़, वाइट निकला। लास्ट ग्रीन, तो ग्रीन के लिए मैं खाऊंगी कच्चा आम। कच्चा आम जो मेरी फेवरेट टॉफी है, किस किस की है मुझे बताना जरूर, बट मेरी तो बहुत फेवरेट है। तो मैं ऑरेंज के ग्रीन के लिए ये खाऊंगी, ये काफी प्यारा सा ग्रीन कलर है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने डिनर में, मैं ये सब खा के। सो गाइस ये रहा मेरा डिनर। एंड गाइस सीरियसली ये भी इतना परफेक्टली हुआ है ना, मतलब एक एक कलर इसमें ना परफेक्ट दिख रहा है, ग्रीन वाइट एंड ऑरेंज, आप देख सकते हो मतलब परफेक्टली। मुझे ना सच्ची में लगा नहीं था ये चैलेंज इतना परफेक्टली हो जाएगा। एंड गाइस डिनर ना मम्मी ने बनाया एंड सीरियसली इतना परफेक्ट बनाया ना, एक एक कलर सारा इतना परफेक्टली दिख रहा है, मुझे मैं मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे ये कैरेट मशरूम एंड आलू की सब्जी है, राइस वाइट के लिए मैंने राइस लिया है एंड ग्रीन के लिए पालक एंड करेले की सब्जी, मेरा डिनर। सो या मैं अपना डिनर खाती हूँ। इतनी टेस्टी सब्जी बनी है ना, ये इतनी टेस्टी है क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी बनी है। पालक की सब्जी भी बहुत टेस्टी है, पालक की सब्जी भी बहुत टेस्टी है।